हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताराचंद, टीम मैथ CLC सीकर। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी JEE एडवांस का पेपर नंबर 2। उसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए हमारे सामने क्या दे रखा है, यहाँ पर पैसेज दे रखा है, तो हमें ये पैसेज सोल्व करना है। और इसके अंदर देखिए क्या है अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। S1 एक सर्कल है, ये S2 सर्कल और ये थर्ड S3 सर्कल। सो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर अपन देखें ध्यान से, तो अपने को देखो क्या करना है, S1, S2 और S3 के बारे में डिस्कस करना है कि इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, इसके सेंटर्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले के सेंटर है 0, -2 और इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस आएगी 0 + 4 एंड +1 का रूट, सो देयर विल बी इक्वल टू √5। ऐसे ही सिमिलरली क्या करेंगे, दूसरे वाले का सेंटर निकालेंगे, दूसरे का सेंटर क्या है देखो -3, -2 और इसकी रेडियस निकालेंगे r, यहाँ पर रेडियस निकाल रहे हैं और इधर अपने पास में सेंटर्स है तो कितना आएगा देखो 9 + 4 13 13 - 8 देयर विल बी 5। सो अगेन ये आपके पास में आ जाएगा 13 - 8, सो दैट विल बी अगेन √5। फिर बात करते हैं तीसरे के अंदर, तीसरे का जो सेंटर है अपने पास में वो क्या है देखो 2, 2। सो सेंटर्स 2, 2 है और अगर इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस आएगी 4 + 4 = 8, 8 + 37 देयर विल बी √45। इसको अपन लिख सकते हैं 9 × 5, सो देयर विल बी 3√5, ऐसा आ जाएगा। तो ये तीनों की रेडियस है हमारे पास में और ये है तीनों के सेंटर्स। तो अब देखो ये इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली, उसके लिए अपने को इन सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और निकालनी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं C1, C2। अच्छा ऑप्शन को अगर देखें अपन तो देखो अपने को S1, S2 और S1, S3 ये निकालने, तो पहले अपन C1, C2 निकाल लेते हैं। देखो C1, C2 क्या आएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 9, 0 + 3 देयर विल बी 9 एंड -2 एंड -2 सो देयर विल बी 4, सॉरी ये तो 0 ही हो जाएगा। सो C1, C2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे अगर बात करें अपन S1 और S3 की निकालनी थी अपने को C1, C3 के बारे में, तो C1, C3 कितना आएगा देखो, यहाँ से कितना आएगा अपने पास में 4 और यहाँ से कितना आएगा 2 + 2, सो देयर विल बी 4, सो देयर विल बी 16 और 16 का रूट कितना हो जाएगा √20 और √20 कितना होता है अपने पास में, √20 होता है अपने पास में 2√5। अब देखो ध्यान से C1, C3 2√5 है और इसका डिफरेंस भी देखो 2√5 है। तो एक्चुअली अपने पास में क्या आ रहा है, अपने पास में आ रहा है R1 - R2 का जो मॉड है, R1 - R3 का, वो C1, C3 के बराबर आ रहा है। और ऐसा अगर होता है तो अपने पास में क्या कंडीशन होती है कि S1 एंड S3 एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं, अपना ये जो फोर्थ ऑप्शन होगा यही होगा बच्चों सही आंसर। क्लियर, तो यही करना था आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी पैसेज का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करेंगे ध्यान से, देखो इसमें आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और ट्राइंगल में आपको क्या दे रखा है, P, P2, P3। तो सबसे पहले आप देखो अपने को पता करना पड़ेगा कि P, P2 और P3 क्या है। तो सबसे पहले इसमें बात करें, देखो P क्या है, P इज द पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू 3 सर्कल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि P जो पॉइंट है अपने पास में वो क्या है, वो इन सर्कल्स से आपके सामने क्या होगा, ठीक है ना, रेडिकल सेंटर होगा, ठीक है ना। और रेडिकल सेंटर कैसे निकालते हैं, एक बार इसमें से इसको घटा देते हैं और एक बार इसमें से इसको घटा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं S2 में से S1 को घटा देता हूं तो क्या बचेगा, देखो मेरे पास X², Y², 4Y सब कट जाएगा, 6X + 9 = 0। तो यहां से अपने को X कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -3/2, ठीक है, X - 3/2 मिल गया। ऐसे ही आप क्या कीजिए, आप S3 - S2 भी निकाल लीजिए, S3 - S2 निकाल लीजिए। इस बार क्या होगा देखो, S2 - S3 निकाल लेते हैं, S2 - S3, X², Y² कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 10X और ये हो जाएगा 8Y और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों, 8 + 37 देयर विल बी 45 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पुट कर दिया -3/2, सो 5 × 3 - 15 + 8Y + 45 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, y = -30/8 मीन्स -15/4। तो ये आ गए देखो बच्चों अपने पास में p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं अपने पास में, p आ गया अपने पास में -3/2 और इसके साथ में आ रहा है अपने पास में -15/4। ये दोनों क्या है अपने पास में, p के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं।
अब देखो आपको P2 और P3 निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे देखो ध्यान से, अपने पास में रेडिकल सेंटर है, अपने को P, P2, P3, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर क्षेत्रफल निकालना है। तो एक काम कीजिए, P से P2 जो होगी आपके सामने वो क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये भी क्या होगी P से P3, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, और क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की वैल्यू सेम होगी रेडिकल सेंटर से, ये प्रॉपर्टी होती है अपने पास में, तो इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा, दैट इज पी पी टू और पी थ्री, ठीक है ना। P की P2 से भी डिस्टेंस आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, पॉइंट है आपके पास में, आप क्या कीजिए इस दूसरे वाले सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए, एक पर निकाल लीजिए, दोनों पर सेम ही आएगा, बीच का एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो मान लेते हैं कि ये लेंथ d आएगी, ठीक है, और इसको जब आप चेक करोगे यहाँ से क्षेत्रफल को, तो ये जो d की जो वैल्यू आएगी आपके सामने ये 1 से कम आएगी। अच्छा, साथ में इसमें साइन थीटा भी आएगा, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू भी 0 से 1 होती है, यहाँ पे जो नंबर आएगा और साथ में साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू 1 से कम होगी, और साइन थीटा भी क्योंकि 1 और 1 से छोटा होता है हमेशा, ठीक है, तो ये ऑल ओवर क्वांटिटी आपकी 1 से लेस होगी, और क्योंकि थीटा निकालने की आपको जरूरत नहीं है, कि 1 से छोटा जो ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शंस आपको 1 से बड़े दिए हुए हैं, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही होगा बच्चों आपका सही आंसर, क्लियर। तो ये था आपका पैसेज 1, आगे चलते हैं, बात करते हैं देखो बच्चों पैसेज 2 के बारे में। पैसेज 2 देखो बहुत ही एक आसान सा पैसेज है आपके सामने, अगेन एक स्क्वायर ए बी सी डी आपको बनाना है, पॉइंट ई और एफ आर टेकन ऑन द साइड ए बी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली, सो दैट ए ई बराबर ए एफ, लेट पी बी द पॉइंट इन साइड द स्क्वायर ए बी सी डी। तो पहला क्या देखो, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी डी एफ ई, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्क्वायर बनाओ, और स्क्वायर बनाना है तो इस टाइप से बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाएंगे ए बी सी एंड डी, ए मान लेते हैं कि 0.0 है मेरे पास में, जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0.0, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है मेरे पास में 1.0, क्यों, क्योंकि आपको दिया गया है इसकी जो साइड लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, अगर ये 1.0 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों 0.1, और ये 0.1 है तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1.1, क्योंकि ये जो लेंथ है वो आपको दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है 1.1 दे रखी है सब जगह पे, क्लियर है सभी को। अब यहां से देखो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, ए बी के ऊपर, और एक पॉइंट लेते हैं अपन ए डी के ऊपर ई एंड एफ, और क्योंकि आपको बोला गया है कि ए ई और ए एफ ये दोनों लेंथ सेम है, तो मान लेते हैं कि ये लेंथ कितनी है अपने पास में एक्स है, अगर ये लेंथ एक्स है तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, और पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0.x। अब देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, आपको सी डी एफ ई, सी डी ऊपर रहा एफ ई ये रहा, आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो अपन क्या करते हैं, स्क्वायर का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर 1 यूनिट, उसमें से सबट्रैक्ट कर देते इस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, जिसका एरिया होगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और साथ में इधर जो ये ट्राइंगल है इसका भी सेपरेट कर दीजिए, इसका बेस होगा देखो 1-x, क्योंकि x कॉमन 0 है तो यहां से आएगा 1/2 1-x, और इसकी जो लेंथ है हाइट है परपेंडिकुलर वो कितनी अगेन 1, तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या एरिया, और ये मैक्सिमम कब होगा जब dA by dx क्या होगा 0 होगा, तो dA by dx निकालो, -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो -x 1-1/2 का डिफरेंशिएशन 0, और +x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 0, मीन्स जब x आपका 1/2 होगा तब बच्चों ये एरिया क्या हो जाएगा मैक्सिमम, इसमें वापस 1/2 पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 5/8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी के अंदर देखो एक क्वेश्चन और है अपने पास में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो वैसे तो देखो फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इसको देखो अगर प्रॉपरली करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखो एक चीज, और वो क्या है, आप इस पॉइंट पी को, कोई भी पॉइंट है तो उसको पॉइंट को ले लो अल्फा कोमा बीटा कहीं पर भी, और देखो वैसे ये रेंडम पॉइंट है आपके पास में, दैट मींस ये जो डायगनल है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हो सकता है, तो हर पॉइंट के लिए अगर इसका कुछ आंसर कांस्टेंट आ रहा है तो वो डायगनल के लिए भी कांस्टेंट आएगा, तो डायगनल से चारों लेंथ क्या होती है आपके सामने सेम होती है, पी ए पी बी पी सी एंड पी डी, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 0, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 0, और क्योंकि 0+0 करोगे तो दोनों का सम भी कितना आएगा 0। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि डायगनल वाला पॉइंट ही होना जरूरी नहीं है, तो अगर आप कोई जनरल पॉइंट भी लेते हो अल्फा कॉमा बीटा, और अभी अभी जो अपन ने पॉइंट्स लिए थे 0.0 1.0,
अगर आप इन सब के डिस्टेंसेज निकाल के अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 0.0। तो सही आंसर क्या हो गया अपने पास, 0 इसका आंसर हो गया है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या करना होगा इसके अंदर, 4L² - 5M² + 6L + 1 = 0। देखो ध्यान से, 4L² + 6L, तो एक काम कीजिए इसमें 5L² ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा 9L² + 6L + 1। अच्छा 5 ही क्यों किया, क्योंकि m जो है उसके अंदर 5m² है, तो इसको इधर ला करके ताकि मैं इसमें 5L² ऐड कर सकूं। और साथ में देखो, क्योंकि यहां पर भी ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 3L + 1² = 5L² + m² दोनों साइड में बच्चों इसमें रूट ले लीजिए तो आपको मिलेगा ±3L + 1, और साथ में डिवाइड के अंदर √L² + m² = √5। ऐसी कंडीशन आ रही है, ठीक है, या आप यहां से इसको हटा करके इधर भी कर सकते हो प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन के अलावा आपको क्या दिया गया है कि ये एक लाइन है LX + MY + 1 = 0, टच ए फिक्स्ड सर्कल, ये किसी एक फिक्स सर्कल को टच कर रही है। देखो बच्चों ये कंडीशन देखो कैसे बनेगी, इस लाइन के थ्रू ये कंडीशन कैसे बन रही है, देखो x की जगह पर पुट कर रहा हूं मैं अगर 3, y की जगह पर 0 + 1, तो बन जाएगा ऐसा, तो 3, 0 जब मैं इसमें पुट कर रहा हूं डिवाइड बाय √L² + m², और बराबर में जो होता है वो आपके पास में क्या होता है r, और ये क्या होता है आपके पास में सेंटर। इसका मतलब अपने पास में जो सेंटर ऑफ द फिक्स सर्कल होगा वो कितना होगा, 3, 0, और उसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, √5। तो ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। साथ में ही आपको सेंटर और रेडियस पता चल गई तो आप सर्कल को चेक कर सकते हो कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x - 3² + y² = 5। अगर ये सर्कल है आपके पास में तो अब आप चेक कर सकते हो कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल के अंदर है या बाहर। अगर अंदर है तो अगर बाहर है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और अगर अंदर है तो आपके पास में एक भी टेंजेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो अगर आप इसमें आप चेक करोगे तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बट फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर देखिए अपने को क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है, सर्कल दिस एंड दिस हैव एग्जैक्टली 2 कॉमन टेंजेंट्स, देन ए कैन बी इन। देखो बच्चों एग्जैक्टली 2 कॉमन टेंजेंट्स कब होती है आपके सामने, जब इस टाइप की कंडीशन बनती है, इस टाइप के जब भी 2 सर्कल होते हैं तो यहां पर आपके सामने क्या होती है, 2 कॉमन टेंजेंट बनती है एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसके लिए कंडीशन होती है आपके पास में R1 - R2 का जो मॉड होगा वो बड़ा होगा किससे, C1 और C2 से, और C1 और C2 का जो मॉड होगा वो लेस होगा R1 + R2 से, ठीक है। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का साइन उस केस में आता है जब सर्कल टच करते हैं, यहाँ टच नहीं कर सकते हैं, यही कंडीशन बन सकती है। अब देखो आपको सब सारी चीजें दे रखी है, इसका सेंटर भी पता है 4, -1, इसका सेंटर भी पता है अपने को 1, 3, ठीक है। साथ में इसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं 16 + 1 = 17 - 8 का रूट, तो R1 कितना आ जाएगा 17 - 8, दैट विल बी 3, एंड R2 भी निकाल सकते हैं अपन 9 + 1 = 10, 10 से 10 हट जाएगा, सो देयर विल बी A² का रूट। देखो रूट लोगे तो मॉड ए, मॉड लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा मॉड ए। ये कंडीशंस यहाँ पर लगा दीजिए तो यहाँ पर लगाओगे तो mod A - 3, ठीक है, इसका मॉड ग्रेटर होगा आपके पास में किससे, C1 C2 से, और साथ में लेस होगा आपके सामने R1 + R2 से, सो देयर विल बी mod A + 3, और ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, और जैसे ही आप इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको अपने सारे आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है अपने को, पॉइंट M इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल PQR का सर्कम सेंटर अपने को दे रखा है, दैट इज पॉइंट M, उस साइड PQ and PR आर द रिप्रेजेंटेड बाई द लाइन दिस एंड दिस। यहाँ पर आपको इस की लाइन दे रखी है 4x - 3y = 0, और साथ में इस वाली लाइन दे रखी है 4x + y = 16। रेस्पेक्टली देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपको बताने हैं कि यहाँ से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। क्लियर है, पॉइंट M क्या दे रखा है अपने को, 2, 13/8, 2, 13/8। चलिए देखते हैं, देखो
आपको क्या करना है यहाँ से, आपको इसमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो क्योंकि आपको पॉइंट M दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको A मान लेते हैं, इसको पॉइंट B मान लेते हैं, इधर से भी अपन इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले अपने को AM तथा BM इन दोनों की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, AM और BM की इक्वेशंस। इक्वेशंस आप निकाल सकते हो, स्लोप आपको दे रखी है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन इसकी 4/3 है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी -4/3 और इस पॉइंट से पास करेगी। तो AM और BM यहां से हमारे पास में दोनों इक्वेशंस अपने को मिल जाएगी। जब आपको AM मिल जाए तो ये इक्वेशन आपको PQ पहले से पता है, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको पॉइंट A मिलेगा और यहां से आपको पॉइंट B मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से यहां से आपको पॉइंट P मिल जाएगा। P, A तथा B इन तीनों के आपको क्या मिल गए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुके हैं। जब आपके सामने तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं तो ये इसका और इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से हम क्या करेंगे, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। A और P की हेल्प से यहां से हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। साथ में ही आपको यहां पर भी ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से अपने को पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो यहां से पॉइंट R आ जाएगा। A, B, P, Q, R सब आ चुके हैं, यहां से आप QR का मिड पॉइंट C निकाल सकते हो। जब पॉइंट C आ जाएंगे तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और जब सारे पॉइंट्स आ जाएंगे तो यहां से आप सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ए बी बी सी 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 ए बी जितनी भी इक्वेशंस है, यहां से आप इन सारी ये वाला क्वेश्चन था, यहां से आप इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो, ए बी सी का एरिया जो मिड पॉइंट से उससे जो ट्राइंगल बना हुआ है उसके एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, और भी जो भी इक्वेशन है वो सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो क्या करना है अपने को, एबीसी एक ट्राइंगल दिया हुआ है। अगेन देखो ध्यान से क्या करना है, एक के कोऑर्डिनेट्स दिए गए -3, 1, बी और सी, ये ट्राइंगल अपने को दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू बी, देखो मीडियन से इससे पास होने वाली मीडियन दे रखी है और सी का आपको एंगल बाइसेक्टर दे रखा है ये वाला। ठीक है, तो आपको बच्चों ये चारों इक्वेशंस निकालने, देखिए बहुत ही आसान तरीके से निकलेगी। कैसे निकालनी है, सबसे पहले एक काम कीजिए, क्योंकि आपको ये वाली जो लाइन दे रखी है मीडियन वाली, तो इस वाली लाइन की हेल्प से आप ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर सकते हो। इस लाइन पर कौन सी लाइन है, ये मीडियन वाली लाइन है जो पॉइंट बी से पास कर रही है। इसमें अगर मैं एक्स को अल्फा पुट कर देता हूं तो वाई कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास में वाई की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपके पास में 3-2 अल्फा। पॉइंट डी अपने को मिल चुका है अल्फा के फॉर्मेट में, पॉइंट सी को ले लीजिए आप A, B। ठीक है, तो देखिए आपको तीन कंडीशंस यहां से मिलेगी, एक तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे यहां से, तो दो कंडीशंस तो अल्फा ए और बी के अंदर मिलेगी आपको मिड पॉइंट से। ठीक है, और तीसरा A, B आपके पास में इस वाली लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि ये इस बाइसेक्टर पर भी है, तो यहां से मिलेगी आपको तीसरी इक्वेशन। तो आपको ए बी अल्फा सब मिल जाएंगे, ए बी और अल्फा जब आ जाएंगे तो अब आप अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले जैसे अल्फा मिलेगा तो यहां से आप ए सी की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से ए सी की इक्वेशन आ जाएगी, सबको क्लियर है। इसके बाद में एक काम आपको और करना है, आप क्या कीजिए, ये जो बाइसेक्टर है इससे इसके ऊपर क्या कीजिए, इमेज फाइंड आउट कीजिए। जैसे आप इमेज फाइंड आउट करते हो तो इमेज जो होती है आपके सामने वो किस पे लाई करती है, वो बीसी पर लाई करेगी, और इमेज अगर आपकी बीसी के ऊपर लाई कर रही है तो यहां से ये जो आपके पास में पॉइंट आएगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, बीसी का समीकरण मिल जाएगा। जब आपको बीसी का समीकरण मिल जाए तो बीसी और ये जो मीडियन है आपके पास में जो पॉइंट बी से पास कर रही है, इसको L1 और इसको L2 लेके, तो L1 + λ L2 = 0 लगा देना, तो यहां से आपको इस पॉइंट से पास होने वाली सारी इक्वेशंस मिल जाएगी, और उसको पॉइंट ए से पास करवाइएगा। जैसे ही पॉइंट ए से पास करवाएंगे तो वहां से अपने को क्या होगा, वहां से अपने को ए बी की इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि ए से पास करवाने के बाद में वो फिक्स लाइन हो जाएगी जो आपकी ए बी होगी, तो यहां से आपको ए बी का इक्वेशन मिलेगा। इसको जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपके ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही आएंगे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ए बी का इक्वेशन ये आएगा, बी सी का ये आएगा, तथा सी ए का इक्वेशन ये आएगा। क्लियर है, क्या काम करने हैं आपको, सबको एक बार दोबारा देख लीजिए कि इस तरीके से आपको 1/1 स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम करने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू दी ओरिजन। देखो ओरिजन से एक दो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आपको ड्रॉ करनी है 0, 0। ठीक है, एक लाइन जो 2x + 3y = 6, इसकी स्लोप आपको दे रखी है m बराबर कितनी
माइनस टू बाई थ्री, ठीक है। और क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स कितने होंगे बच्चों, 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्लियर है। तो यहां से आपको क्या करनी है, इनकी स्लॉप्स निकालनी है। तो स्लॉप्स देखो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, आप सबको पता होगा एक साइक्लिक ऑर्डर में जब अपन यहां पर अप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, 10 की वैल्यू मिलती है। तो सबसे पहले तो 10 45 जब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 10 45 1 होता है, और यहां से आपको मिलेगा m1 plus 2 by 3 divided by 1 minus m1 into minus 2 by 3। एक इक्वेशन तो यहां से मिलेगी, यहां से m1 आ जाएगा, और साथ में ही यहां पर जब लगाओगे तो ध्यान रखिएगा 10 45 का ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में क्या होगा, माइनस टू बाई थ्री माइनस एम टू डिवाइड बाई वन प्लस टू बाई थ्री इंटू एम टू, ये आ जाएगा अपने पास में सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, m1 और m2 मिल जाएंगे, m1 और m2 मिल जाएगी मीन्स आपको ये दोनों लाइंस जो ओरिजिन से पास होने वाली है उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ये आंसर मिलेगा वहां से, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन दिस वन विल बी करेक्ट। एक वैल्यू 5 आएगी, एक वैल्यू आपकी 1/5 आएगी, क्लियर है। चलिए इसके बाद में जब आपको ये सारा मिल जाए तो इसके बाद में देखो एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया निकालने का, राइट एंगल आइसोसेल्स में। देखो यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं कि P है, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल था तो ये एंगल भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये 90 तो ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। तो ये जो छोटा ट्राइंगल है ना ये भी आइसोसेल्स होगा, ये अगर P लेंथ है तो ये भी P होगी, ये अगर P है तो ये भी P होगी। तो यहां से जो एरिया होगा वो आ जाएगा 1/2 इंटू P इंटू 2P, ये तो बेस हो जाएगा 2P और ये हो जाएगी आपके पास में हाइट, 2 से 2 कट जाएगा मीन्स पी स्क्वायर। और P क्या है बच्चों, P है आपकी ओरिजिन से, क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट है आपका क्या है, मूल बिंदु, इससे जो आपको गिवन लाइन है उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो P बराबर आ जाएगा 6/√13, ठीक है ना। पी स्क्वायर आपका आंसर होगा, सो 36/13, एक थर्ड ऑप्शन भी आपका सही होगा। तो सेकेंड और थर्ड दोनों ऑप्शन यहां पर क्या है अपने सही आंसर, क्लियर है बच्चों। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। 6 में देखो अपने को क्या करना है, कंसीडर ट्राइंगल एबीसी हुज साइड्स ए बी बी सी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली द स्ट्रेट लाइन दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड पॉइंट पी इज 2, 3। और आपको बताना है कि पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी अलग अलग केस में, अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो क्या होगी, सेंट्रोइड है तो क्या होगी, सर्कम सेंटर है तो क्या होगी। देखो तीनों ही केस के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी बी सी और सी ए, देखो इसका 2x plus y equal to 0 और x minus y equal to 3, इन दोनों से तो आप point of intersection निकाल सकते हो 2x plus y बराबर 0 and x minus y बराबर 3। अगर आप दोनों को add करोगे तो y कट जाएगा, 3x बराबर 3 1, x को 1 put करोगे तो y minus 2, 1, -2 एक point तो ये आ जाएगा। इसके अलावा जो आपको equation दे रखी है, एक equation जो है आपके पास में x plus p y बराबर कितना, x plus p y बराबर q, ठीक है। अब इस वाली लाइन पर एक पॉइंट ले लेना, देखो x को अगर मैं अल्फा यूज करता हूं तो y कितना हो जाएगा, -2 अल्फा, और इसको अगर मैं बीटा ले लेता हूं x को तो y कितना हो जाएगा, -3। अब आपको एक काम करने हैं, यहां पर आपको फॉर्मूले लगाने हैं किसके, सबसे पहले सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना, g के लिए। तो और यही जो पॉइंट है ना यही आपका घूम रहा है, एक बार सेंट्रोइड है, एक बार ऑर्थो सेंटर और एक बार सर्कम सेंटर। जब आप सेंट्रोइड के लिए लगाओगे तो सीधा फॉर्मूला होता है आपके पास में, तो अल्फा और बीटा में दो इक्वेशंस बनेगी, ठीक है ना। दोनों को सॉल्व करने से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल जाएगी, जब अल्फा और बीटा आ जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो यहां से जब कंपेयर करोगे तो पी प्लस क्यू बिल्कुल आपका 74 आएगा, ये सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही ऑर्थो सेंटर के लिए आपको कंडीशन लगानी है m1 m2 -1, इसकी स्लोप आपको पता है, ठीक है, यहां पर 2, 3 और इधर बीटा है आपके पास में, इन दोनों से स्लोप लगाओगे m1 m2 -1 तो बीटा मिलेगा। और ऐसे ही आप इधर से इसकी स्लोप आपको पता है m1 m2 -1, यहां से अल्फा आएगा, और ऑर्थो सेंटर में जब आप कैलकुलेट करोगे तो पी प्लस क्यू बिल्कुल आपका 50 आएगा, ये सही आंसर होगा। ऐसे ही आपको सर्कम सेंटर के लिए करना है, उसके लिए इसकी इससे डिस्टेंस, इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस आपको तीनों बराबर करनी है, और अगेन सॉल्व करने से अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी उससे आपको पी प्लस क्यू 47 आएगा, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको इस तरीके से तीनों पॉइंट लेकर के फिर तीनों तरीके से कंडीशन लगानी, और तो सेंटर के लिए अलग लगेगी, सेंट्रोइड के लिए अलग लगेगी और सर्कम सेंटर के लिए अलग लगेगी, क्लियर है। चलिए फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस।
देखो क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पर आपको दे रखा है सबसे पहले, अच्छा ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, मल्टीपल चॉइस अपने कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर देखो क्या है, एक पैरेललोग्राम बाउंडेड बाय दिस 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 एंड दिस। देखो एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए क्या तरीका होता है बच्चों, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस वाई बराबर ए एक्स और ये, तो यहाँ से कितना आएगा सी माइनस डी, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंस, इन दोनों के बीच की डिफरेंस सी माइनस डी अगेन, तो इसका स्क्वायर और डिवाइड बाई स्लोप का ए माइनस बी, ये दे रखा है सबसे पहले, तो आपको कितना दैट विल बी इक्वल टू 18, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरे वाले में करना है, देखो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिफरेंस करना होता है ना, डिफरेंस करोगे तो यहां पर कितना आएगा सी प्लस डी, और ऐसे ही दूसरे वाले में सी प्लस डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अगेन यहां पर ए माइनस बी है, और ये कितना दे रखा है बच्चों आपको, ये 72 दे रखा है, ठीक है। तो देखो दो इक्वेशन आ गई आपके पास में, सी माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर 18 इंटू मॉड ओवर ए माइनस बी, और C प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर कितना है दूसरे के अंदर 72 इंटू मॉड ओवर ए माइनस बी। अब देखो A और B का, A प्लस बी प्लस सी का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है, तो ये स्मॉलेस्ट तब होगा जब ये क्वांटिटी भी आपके पास में क्या होगी स्मॉलेस्ट, और साथ में देखो क्योंकि A, B, C, D सब आपके सामने कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स के लिए यहां पर इनको क्या होना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि ए भी इंटीजर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा सी माइनस डी भी, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए 18 यहाँ पर आ रहा है, ए और बी दोनों आपके पास में नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो ये जो मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है वो 36 हो सका है, और ये आपके पास में 144 होगा, और ऐसा तब आएगा जब मॉड और ए माइनस बी बराबर 2 होगा, ए और बी दोनों इंटीजर्स है, तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 3, ये मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। इससे और भी हो सकती है बट हमें मिनिमम चाहिए, तो ये मिनिमम केस होगा। जब यहां पर आप 36 पुट करोगे तो सी माइनस डी आपके पास में 6 आ जाएगा, और सी प्लस डी आपके पास में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 2c बराबर 18, सो c की वैल्यू 9, और दोनों में से घटाओगे तो 2d बराबर 6, तो d बराबर कितना आ गया 3, तो 9, 3, 3 एंड 1, ये सब आपके आंसर है, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, तो सही आंसर कितना हो जाएगा अपना 16। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इंटीजर टाइप क्या है, देखो ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू दिस अपॉन दिस एंड रे रिफ्लेक्टेड दिस। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक रे इस वाली लाइन के ऊपर आ रही है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। अगर ऐसा है तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसकी स्लोप आपको दे रखी है कितनी, m बराबर 1/2। इस वाली लाइन की स्लोप भी आपको पता है कितनी है, m बराबर 3/2, और इसके लिए आपको क्या करना है, m यूज करना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से टेन थीटा और यहाँ से टेन थीटा बराबर होगा, लेकिन वही आपको साइक्लिक ऑर्डर यूज करना है, ठीक है ना। इस बार एक बार इसको इधर ले रहे हो तो एक बार इसको इधर यूज करना है, सो 3/2 माइनस, या मैं इसको नाम दे दूं m1, इसको नाम दे देते m1 m2, और ये जो लाइन है ये m3, तो आप वैल्यूज आप पुट कर लेना, m1 माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m बराबर कितना हो जाएगा m माइनस m1। देखो यहाँ पर m1 m2 ये m3 है ना, सो m1 माइनस m2, और अब की बार क्या आएगा बच्चों, m3 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m3 m1, ठीक है। m1 और m2 दोनों पता है, इसमें पुट कर दीजिए m3 की वैल्यू आ जाएगी, m3 आ गई मीन्स इस लाइन की स्लोप मिल गई, और इन्हीं दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ये तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसमें x की, इसमें से इसको घटा दो तो 3x में से x 2x, सो माइनस 2, तो x बराबर तो माइनस 1 आएगा, और x की वैल्यू जब माइनस 1 यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, तो y की वैल्यू आई थिंक एक बार दोबारा देख लो, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 1, x को 1 पुट करोगे तो ये माइनस 2, तो y की वैल्यू माइनस 1, आई थिंक ये पॉइंट आएगा, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए, पॉइंट आ गया, स्लोप यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से आप अपनी रेखा की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जो ये इस वाली लाइन की इक्वेशन पूछी है, इसकी स्लोप है, इसका पॉइंट अपने को पता है, तो ये इक्वेशन निकाल के जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ए बी और सी, बिल्कुल ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर्स आएंगे, साइन या पॉजिटिव या नेगेटिव, और या नेगेटिव आएगा, और यहाँ से आप ए बी सी जैसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है आपको, देयर आर टू सर्कल थ्रू द ओरिजिन विच टच द लाइन दिस एंड दिस। देखो पहला सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, और दूसरा वाला जो सर्कल है जो है आपके पास में
वो भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, मीन्स इन दोनों के अंदर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कॉमन, और वो किसी एक दूसरी लाइन को टच कर रहा है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले तो देखो दोनों में से किसी भी एक सर्कल के सेंटर को अगर बच्चों मैं एच कोमा के अगर ले लूं, ठीक है, तो ओरिजिन को कंटेन करने वाले के हिसाब से अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो ये जो होगा ये इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा। एंगल बाइसेक्टर की जब कंडीशन लगाओगे तो इसको माइनस साइन कर देना, क्योंकि सी वन को पॉजिटिव करेंगे, प्लस नाइन डिवाइड बाई कितना आएगा, वन प्लस फाइव रूट फाइव बराबर, इसमें भी लगा दो टू एच माइनस के प्लस टू डिवाइड बाई रूट फाइव, तो ये कट जाएगा। सबको इधर लाओगे तो ये बन जाएगा थ्री एच प्लस के बराबर सेवन, एक इक्वेशन तो बन जाएगी आपके पास में ये। और दूसरी कंडीशन लगानी है, देखो आपको इसकी सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, वो रेडियस के बराबर होती है, ठीक है ना। एच कोमा के अपन ने सेंटर को ले रखा है, ठीक है ना, तो किसी भी एक सर्कल के लिए लगाना ही है ना, दोनों पे लगाने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले पे लगा देता हूं, तो ये क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर रेडियस, रेडियस इसमें पुट कर दीजिए, पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2h माइनस के प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको 0,0 से पास करवा दीजिए, क्योंकि दोनों सर्कल आपके 0,0 से एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं। जैसे ही पास करोगे, एक एच के में रिलेशन यहां पर है, एक एच के में रिलेशन ये है, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको h और k की वैल्यूज मिल जाएगी। जब आपको h और k के दो पेयर मिलेंगे, एक पेयर से आपकी रेडियस आएगी रूट फाइव, ठीक है ना, एग्जैक्टली आपको रूट फाइव मिलेगी जो यहां पर दी गई है, और एक दूसरे वाले पेयर से आपकी रेडियस आएगी 17 बाई रूट फाइव, ठीक है ना, तो वहां से फिर आपको k का वैल्यू मिलेगा जो कितना आएगा 17 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो अपने को क्या करना है, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगनल्स ऑफ द रेक्टेंगल। देखो एक रेक्टेंगल की एक्सट्रीमिटीज दे रखी है आपको, एक दे रखी है -4,4 और दूसरी दे रखी है आपको 6,-1। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इस AC का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये है आपके पास में BD। ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल कट, अच्छा देखो यहां से आपको एक सर्कल निकालना है, तो देखो ये एंगल 90 डिग्री होता है, और क्योंकि ये दोनों इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल अगर 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये डायमीटर होगा, तो डायमेट्रिक फॉर्मेट से यहां से अपन सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 4, ठीक है। और जैसे ही अपन ये इक्वेशन लिखेंगे, सो देखो इसमें ये अपने को क्या मिल गई, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको बोला गया है आगे क्या, कि वाई एक्स को कट कर रहा है, ठीक है ना, वाई एक्स पर ए बी इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वाई एक्स पर एक्स जीरो होता है, तो इसमें एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -24 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई दैट इज -3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y में देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करने से अपने को a और b दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसको नाम कुछ अलग दे दो, पी क्यू आर एस, ठीक है, इसको पी क्यू आर एस। तो ये a और b के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि y x पर इंटरसेप्ट है तो a तो 0 होगा, यहां से y 1 आ जाएगा, ये 0 और यहां से y 2। अब यहां पर आपको टेंजेंट्स लिखनी है, तो सर्कल की इक्वेशन है, पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो t इक्वल टू 0 से, और यहां पर भी इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दोनों इक्वेशन का, वो पॉइंट सी होगा आपका, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यहां से आप इस ट्राइंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हो, एरिया जब निकालोगे तो परफेक्ट क्यूब नंबर आप में आपका एरिया आएगा, लेमडा अपॉन म्यू का होल क्यूब, और वहां से आप लेमडा इंटू म्यू की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो सर्कल की इक्वेशन x 0 करेंगे, y में क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से y1 एंड y2 कैलकुलेट होंगे, और y1 और y2 जब आ जाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स पर सर्कल में t इक्वल टू 0 से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वहां को सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में c। इसमें भी आपको सिर्फ इसका आप क्या निकाल लीजिए, y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट्स जो होगा आपके पास में, जो हाइट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, अच्छा ये y1 माइनस y2, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, वही आपके पास में क्या हो जाएगी, वहां पर हाइट हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो जो क्वेश्चन से आपके डेसिमल टाइप के क्वेश्चन से, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जेई एडवांस के अंदर आपके डेसिमल टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो यहां से देखते हैं कि क्या आएगा अपने पास में आंसर। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास में तीन सर्कल दिए अपने को, 3, 4 और 5, उनकी क्या है रेडियस, और एक दूसरे को वो टच कर रहे हैं, ठीक है। इसको जब आप इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा इस टाइप का, ठीक है। तो 3 + 4 ये 7 हो जाएगी टोटल लेंथ, 4 + 5 ये 9 और 5 + 3 ये 8, तो ऐसा एक ट्राइंगल बन जाएगा।
पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू दीज सर्कल्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, यहाँ पर देखो टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपके पास में क्या है, पी। ठीक है, तो देखो टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो इस पॉइंट पी से ये क्या है बच्चों, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर, और किसी भी एक पॉइंट से तीनों परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, वो आपके सामने क्या होती है, वो आपके सामने इस सर्कल की इन रेडियस होगी, इस सर्कल की क्या होगी, इन रेडियस होगी। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 7, 8 और 9 इस ट्राइंगल को आपको क्या करना है, इन रेडियस कैलकुलेट करनी है। इन रेडियस आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, वो आ जाएगी रूट लेमडा, कैलकुलेट करोगे तो लेमडा 5 आएगा, और 5/51/10 मीन्स 0.10, इस तरीके से आपको इसका आंसर भरना था, 0.10, डेसिमल के 2 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट आगे की तरफ। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस एबीसीडी इज द मेंबर ऑफ बोथ द फैमिलीज। देखिए दोनों फैमिलीज का मेंबर है, मीन्स इस वाली जो फैमिली ऑफ द लाइन है ऑफ इंटरसेक्शन है उसका भी मेंबर है, और साथ में इस दूसरे वाले का भी मेंबर है। इसका मतलब वो जो लाइन होगी वो इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी। तो एक डायगोनल आपको मिल जाएगा यहाँ से, एक डायगोनल ऑफ द रोम्बस एबीसीडी इज द मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द फैमिलीज। अच्छा, एक डायगोनल मिल जाएगा मीन्स आपको यहाँ से एक डायगोनल की लेंथ भी मिल जाएगी। मान लेते हैं कि ये डायगोनल एसी है, तो यहाँ से आपको एसी की लेंथ तो मिल जाएगी बड़ी आसानी के साथ में, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको पता है, ये भी पता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, एक और आपके पास में इसको रोम्बस कंप्लीट कर दो इस तरीके से, तो ए बी सी डी ऐसा हो जाएगा, एसी की लेंथ अपने को मिल चुकी है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है आगे, देखो एसी की लेंथ आ चुकी है तो इसको इसके साथ में ज्वाइन कर लो, तो ये परपेंडिकुलर है, और आपको दिया गया है कि इसका वन एक मेंबर 3.2 है। जब यहां पर आप देखोगे तो 3.2 जो होगा, ठीक है ना, वो इस लाइन पर लाइन नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप इस लाइन की इक्वेशन को निकाल के चेक करोगे तो 3.2 इस पे लाइन नहीं कर रहा है, मीन्स 3.2 यहां पर है। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को 3.2 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है अपने पास में, D1 होती है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, D1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3.2 से लाइन पर निकाल सकते हो, ठीक है, इसको एक्स नाम दे दीजिए, एक्स। तो यहाँ से जब एक्स आ जाएगा तो ये वाला जो डायगनल D1 है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2x, ठीक है। और वैसे भी देखो एक डायगनल तो अपने पास में पहले आ ही चुका है ना, ए डायगनल ऑफ द रोम्बस एबीसीडी मेंबर ऑफ द फैमिली, तो एक डायगनल तो पहले आ चुका है, तो उसकी लेंथ भी आ चुकी है, और लेंथ आ चुकी है उसका एरिया अपने को दे रखा है रोम्बस का 12√5। तो ये आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, देखो सिर्फ आप क्या कीजिए, ए और सी के पॉइंट निकाल करके एक डायगनल की लेंथ निकाल लीजिए, D1 आ जाएगी, और उसके बाद फॉर्मूला लगा देना 1/2 × D1 D2 बराबर एरिया ऑफ द रोम्बस जो दे रखा है आपको 12√5, ठीक है। इसमें D1 की वैल्यू पुट कर देना तो यहाँ से D2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो बच्चों इसमें 10 आएगी और एक वैल्यू 10 से छोटी आएगी, आपको वो लेना है जो लॉन्गर डायगनल है, और वो आपके पास में इसमें 10 आएगी उसकी लेंथ। और जब आप यहाँ पर 10 पुट करेंगे 200k/10, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, k/1/20, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 places तक कितना आंसर आ रहा है वही आपका आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखो अपने को क्या करना है, यहाँ पर x² + y² + 4x - this + c = 0 इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ रेड सर्कल S1। तो देखो मान लेते हैं कि ये वाले जो सर्कल है इसकी रेडियस r है, थोड़ी देर के लिए इसकी रेडियस r मान लेते हैं। ए सर्कल दिस इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस सर्कल, इसकी रेडियस को r1 ले लेता हूँ, इसकी S2 की जो रेडियस है उसको मैं r2 ले लेता हूँ, और ऐसे ही अपने पास में चलेगा। देखो देखो ये वाला डायरेक्टर सर्कल है किसका, r1 का, ठीक है ना। तो इसकी जो रेडियस होगी, ठीक है ना, वो इससे ज्यादा होगी, और वो कितनी होगी, √2 टाइम। सो r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, √2 r1। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा, r/√2। ऐसे s2 आपका s1 का डायरेक्टर सर्कल है, तो r1 बराबर कितना हो जाएगा, √2 r2। तो यहां से r2 कितना हो जाएगा, r1/√2, क्यों, √2 टाइम होती है रेडियस, r1 r/√2 है, तो ये हो जाएगा r/2, एंड सो ऑन, ऐसे आपके पास में चलता रहेगा। तो आपको मिल जाएगी एक ऐसी GP r/√2 + r/2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक GP, जिसका सम आपको दे रखा है कितना, r/√2 / 1 - 1/√2, एंड दैट विल बी इक्वल टू
इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। r की जब वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल r आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। सो स्मॉल r आ जाएगा अपने पास में कितना, 4 प्लस 2 यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस सी का रूट। ये वैल्यू आप जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्या दे रखी है। द रेंज ऑफ पैरामीटर ए फॉर विच द वेरिएबल लाइन वाई बराबर 2x प्लस ए लाइज बिटवीन द सर्कल दिस एंड दिस। देखिए एक लाइन आपके पास में दो सर्कल के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कंडीशन लगेगी। सबसे पहले तो ये इसका सेंटर C1 इधर होगा, इसका सेंटर C2 होगा। सो C1 एंड C2 बोथ आर लाइन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। तो C1 कितना है अपने पास में, पहले वाले सर्कल का सेंटर दैट इज 1, 1, और सेकंड का सेंटर है अपने पास में 16/2, 8, 1। तो सबसे पहले कंडीशन लगेगी यहाँ पर 1, 1 एंड 8, 1 लाइज द ऑपोजिट साइड। इसमें पुट कीजिए, देखिए कितना आएगा, 2 - 1 + a इंटू 8, 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा 16 - 1 + a विल बी लेस देन 0। एक कंडीशन अपने को ए के अंदर यहाँ से मिल जाएगी। सिमिलरली आपको दूसरी कंडीशन एक और लगानी है यहाँ पर, और उसके लिए आपको क्या कहा जा रहा है, विदाउट इंटरसेक्टिंग एंड टचिंग आइदर सर्कल एज, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और टच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्कल है आपके सामने वो कैसे होंगे, वो आपके सामने इस टाइप के होंगे, और इस टाइप के होंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन और लगेगी आपकी, और वो कंडीशंस क्या होगी, R1 - R2 का जो मॉड होगा वो बड़ा होगा किससे, C1 C2 से, और ये लेस देन होगा आपके पास में R1 + R2 के। ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे और इसके साथ में जब उसका आप इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ से आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिलेगी, α = 1 and β = 5। और यहाँ से जब आप अल्फा बाई बीटा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अल्फा बाई बीटा पूछा है आपसे, तो वो आ जाएगा 1/5 दैट इज 0.20, और यही होगा आपका आंसर। क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच।